नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 28वीं वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए उन सवालों के जवाब, जो सवाल आप लोगों ने मुझसे इस पिछली Q&A वीडियो में # मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूँ कि आप लोगों के उन ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब आप लोगों को दिए जा सके और इन सवालों के जवाबों से उन लोगों को भी फायदा हो सके जो कि भारतीय सिक्के और नोटों के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हमारे चैनल पर हो चुके हैं पूरे 28 लाख सब्सक्राइबर्स। ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के पूरा होने में आप सभी लोगों का उतना ही सहयोग है जितनी की मेरी मेहनत है। तो इन पिछले 3 सालों में आप लोगों में से जिसने भी हमें सब्सक्राइब किया है या नहीं भी किया है लेकिन हमारी वीडियोस को अभी भी वो लोग देखते हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है रमेश कुमार जी ने। ये लिखते हैं, आई हैव 1 पैसा 1968 मुंबई मिंट, आई वॉन्ट टू नो द प्राइस ऑफ इट एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाई योर चैनल, इट्स वेरी गुड, थैंक्स। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो सवाल है वो है ऐसे 1 पैसे के 1968 के बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरह के 1 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के जो कि 1968 में बने थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटों से, ये सारी की सारी मिंटों के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। कीमत UNC कंडीशन में चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। सिक्के की कंडीशन अगर यूज्ड होगी तो उस कंडीशन में इस तरह के 1968 के 1 पैसे की कीमत चल रही है तकरीबन 1 रुपए से भी कम। और दोस्तों, एल्युमिनियम के बने हुए इस तरह के 1 पैसे के और भी सिक्कों की जानकारी के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है भाव्या अग्रवाल जी का। ये लिखते हैं, सर आई हैव ए क्वार्टर रूपी क्वाइन ऑफ 1936, सर प्लीज बताएं इसकी क्या कीमत है, मैं 2 बार आपसे पूछ चुका हूँ, प्लीज सर अगली सवाल जवाब वाली वीडियो में बताना। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जानना चाहते हैं 1936 के क्वार्टर रूपी यानी कि जिसको हम 1/4 रूपी भी बोल सकते हैं, उस सिक्के की कीमत। तो 1936 में बना हुआ ये क्वार्टर रूपी का सिक्का बना होता था सिल्वर से। ये सिक्का साइज में होता है आजकल के 25 पैसे के सिक्कों के बराबर। इसका वजन था तकरीबन 2.91 ग्राम। तो 1936 का इस तरह का क्वार्टर रूपी जॉर्ज फिफ्थ के क्वार्टर रूपी के सिक्कों में सबसे ज्यादा कॉमन सिक्का माना जाता है। 1936 में ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से और इस तरह के दोनों ही मिंटों की सिक्कों की UNC कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 500 रुपए से 600 रुपए के बीच में। वहीं कंडीशन कम अच्छी होने पर इनकी कीमतें इससे भी नीचे जा सकती हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है आदर्श वानिया जी ने। ये लिखते हैं, सर 5 रुपीज मौलाना अबुल कलाम आजाद हैदराबाद मिंट, प्राइस क्या है UNC कंडीशन की, प्लीज रिप्लाई। तो 5 रुपए के इस तरह के मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती पर जारी किए गए सिक्के जिनको जारी किया गया था 2013 में, ये सिक्के बने होते हैं निकल ब्रास से और इनका वजन होता है 6 ग्राम। तो इस तरह के जो सिक्के हैं वो जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटों से। इनमें अगर हम बात करें बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्कों की तो ये तीनों मिंटों के ही सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में यानी कि इनकी ज्यादा से ज्यादा कीमत जा सकती है तकरीबन 10 रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो इस तरह के हैदराबाद मिंट के सिक्के थे वो सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी में। स्केयर का मतलब होता है कि वो सिक्के जो कि कॉमन सिक्कों से थोड़े से ज्यादा कीमती होते हैं। तो हैदराबाद मिंट से बना ये सिक्का आपको UNC कंडीशन में दिला सकता है तकरीबन 100 रुपए तक। अगला सवाल हमारे पास आया है क्रिएटिव आर्ट बाय हर्ष की तरफ से। ये लिखते हैं, मेरे पास 1 रुपए का क्वाइन 1983 का डॉट वाला है, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, मैं आपसे ये सवाल 3 टाइम्स पूछ चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1983 के इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों की तो 1983 में चलाए जाते थे इस तरह के 6 ग्राम के सिक्के। इन सिक्कों में अगर आपके पास है डॉट मार्क वाला सिक्का तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका सिक्का है बॉम्बे मिंट का और बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है इस तरह का डायमंड का मार्क जो कि आपको डॉट जैसा लग जरूर रहा होगा लेकिन इस निशान को हम डायमंड मार्क बोलते हैं। और ईयर के नीचे इस तरह का जो गोल सा डॉट होता है वो निशान
पहचान होता है नोएडा की मिंट का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नोएडा की मिंट थी उसकी स्थापना ही 1988 में हुई थी, यानी कि 1988 से पहले के कोई भी सिक्के आपको नोएडा मिंट के मिलेंगे ही नहीं। तो 1983 के इस एक रुपए के बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत की बात करें तो 1983 के ऐसे एक रुपए के सारी ही मिंटों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। कीमतें फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में चल रही है तकरीबन 5 रुपए तक, और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत तकरीबन 10 रुपए से 15 रुपए तक जा सकती है। अगला सवाल यहाँ पर आया है समन पटेल जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मेरे पास 2 रुपए के आरएन मेहनोत्रा के साइन वाले नोट हैं, जिनका ईयर इनके हिसाब से होगा 1985 से 86 के आसपास। इनके पास ऐसा आरएन मेहनोत्रा जी के साइन वाले 100 नोटों का एक पूरा बंडल है और ये जानना चाहते हैं उस बंडल की कीमत। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरएन मेहनोत्रा का आरबीआई के गवर्नर के तौर पर जो कार्यकाल था वो था 4 फरवरी 1985 से लेकर 22 दिसंबर 1990 तक। इनके कार्यकाल में इस तरह के 2 रुपए के नोट जारी किए गए थे। पहले वो थे जिनके पीछे बना होता था टाइगर का चित्र, वहीं दूसरे नोट वो थे जिनके पीछे बना होता था आर्यभट्ट सैटेलाइट का चित्र। तो यहाँ पर अगर आपके पास है आरएन मेहनोत्रा जी के टाइगर इशू वाला ऐसा एक पूरा 100 नोटों का बंडल, तो 100 नोटों के इस पैकेट की कीमत चल रही है तकरीबन 1200 रुपए से 1500 रुपए के बीच में। वहीं यहाँ पर बात करें आरएन मेहनोत्रा जी के सैटेलाइट इशू वाले नोटों के बंडल की कीमत की, तो 100 नोटों का ऐसा पैकेट आपको मिल सकता है तकरीबन 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर जो अगला सवाल किया है वो है राठौर गिरिराज जी ने। ये जानना चाहते हैं किंग एडवर्ड 7 1/12 आना 1909 की वैल्यू क्या है। तो 1909 में चलाए जाने वाले इस तरह के 1/12 आना, जिनको की बनाया गया था ब्रॉन्ज की धातु से और इनका वजन होता था 1.62 ग्राम, यानी कि ये काफी ज्यादा छोटे सिक्के होते थे। तो इस तरह का 1909 का सिक्का अगर आपके पास है फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो इसकी कीमत तकरीबन 30 रुपए से 200 रुपए के बीच में चल रही है। लेकिन वहीं अगर आपका सिक्का है यूएनसी कंडीशन का, जैसी कंडीशन का सिक्का आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कंडीशन में इस सिक्के की कीमत तकरीबन 500 रुपए या उससे ऊपर भी जा सकती है। तो अगला कमेंट यहाँ पर आया है शिरीन जाकिर जी का। ये लिखते हैं, आई है 1 रुपी क्वाइन 1947 बॉम्बे मिंट जॉर्ज 6 किंग एम्परर, आई एम आस्किंग दिस फॉर 4th एंड लास्ट टाइम। तो शिरीन जाकिर जी, मैं भी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप भी अपने सवालों को पूरा लिखा करें, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके इस कमेंट में कोई भी सवाल नहीं है। आपने यहाँ पर ये तो लिख दिया है कि मेरे पास 1947 का 1 रुपए का बॉम्बे मिंट का क्वाइन है, लेकिन आप इसमें जानना क्या चाहते हैं वो भी आपको लिखना चाहिए था। तो आप बाकी सभी लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि प्लीज इस तरह के अधूरे सवाल मत किया कीजिए। लेकिन चलिए फिर भी मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि जाकिर जी जानना चाहते थे इसकी कीमत के बारे में। तो अगर आपके पास है 1 रुपए का 1947 का ऐसा सिक्का जिसके ईयर के नीचे बना होता है ऐसा एक डायमंड का मार्क, तो ये होता है बॉम्बे मिंट का सिक्का। इस सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है तकरीबन 40 से 50 रुपए तक और यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला कमेंट आया है इंद्रजीत कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 5 रुपए का 2001 का कैलकटा मिंट का कॉपर निकल का रेडिड एच का क्वाइन है, सर इसकी वैल्यू बताएं। तो 2001 में जो 5 रुपए के सिक्के चलाए जाते थे वो होते थे इस तरह के 9 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्के। नॉर्मली तो इन सिक्कों के एजेस होते हैं सिक्योरिटी एजेस, जो कि दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्रजीत जी जानना चाहते हैं 2001 के रेडिड एज वाले क्वाइन की कीमत के बारे में। तो 5 रुपए के इस तरह के सिक्कों में काफी बार रेडिड एज और कभी कभी कुछ सिक्कों में प्लेन एजेस भी देखने को मिल जाते हैं, और इनकी कीमतों की बात करें तो फाइन कंडीशन में इनकी कीमत आपको लगभग 30 रुपए से 50 रुपए तक मिल सकती है। वहीं अगर आपके ऐसे सिक्के की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हो तो कीमत तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में जा सकती है। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे पूछा है योर फ्रेंड भार्गव जी ने। ये लिखते हैं, मुझे आप ये सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वाइन है और वो है 2 रुपए का 1999 का किंग के क्राउन जैसा मिंट का क्वाइन, उसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस तरह के 2 रुपए के 1999 के सिक्कों की, तो 1999 में इस तरह के सिक्के भारत की चारों मिंटों के अलावा लंदन में स्थित लैंटरसेंट मिंट से भी जारी किए गए थे। इस मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो दिखने में कुछ इस तरह का लगता है, और 1999 के इस सिक्के की कीमत की बात करें तो ऐसे सारे ही सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। यूएनसी कंडीशन में इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 10 रुपए से 15 रुपए तक ही हो सकती है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है
वो हमसे पूछा है वीना जी ने। ये लिखती है, प्लीज गिव माई क्वेश्चन आंसर इन योर नेक्स्ट क्यू एन ए वीडियो। आगे इन्होंने लिखा है, आई हैव 1991 यूएसए 1 सेंट विद 6 o'clock रोटेशन एरर, वॉट विल बी द प्राइज। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलाए जाने वाले इस तरह के 1 सेंट के जो सिक्के होते हैं वो एक्चुअल में इसी तरह से बनाए ही जाते हैं, यानी कि इन सिक्कों को अगर आप इस तरह से पलटते हैं तो ये सिक्का आपको उल्टा यानी कि 6 o'clock पे रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। और जब कोई सिक्का इस तरह से रोटेट होता है उसको बोला जाता है क्वाइन अलाइनमेंट, जबकि जिस तरह के सिक्के हमारे देश में बनाए जाते हैं वो कहलाता है मेडल अलाइनमेंट, जिसमें सिक्के का पीछे का भाग भी उसी दिशा में बना होता है। तो 1991 के इस तरह के 1 सेंट की कीमत की बात करें तो इस तरह के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, कीमत चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। अगला जो कमेंट हमारे पास आया है वो है मदीपल्ली पशुपति जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मेरे पास बहुत से ओल्ड क्वाइंस और नोट्स हैं। जब मैंने दूसरे क्वाइन वाले चैनल को कमेंट किया वो मेरे एटीएम कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, और जब मैंने इनकार किया तो मुझे गंदी गालियां दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पर जो लोग भी भारतीय सिक्के और नोटों की वीडियोस बनाते हैं उनमें से लगभग 95% से भी ज्यादा लोग फेक वीडियोस ही बना रहे हैं। फेक वीडियोस यानी कि किसी भी सिक्के की कुछ भी कीमत बता देना या सिक्के और नोटों को बेचने के गलत तरीके बताना। तो ऐसे चैनल वालों का मकसद ही होता है लोगों के साथ फ्रॉड करना। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपसे आपकी एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी गई है, हो सकता है इसके बाद आपसे ओटीपी की भी मांग की जाती। इसी तरह से काफी लोगों के साथ सिक्के और नोटों को बिकवाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन चार्ज की भी मांग की जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसी मांगे करने वाले सभी लोग फ्रॉड लोग हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि कभी भी आप लोग कहीं भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर ना डालें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ भी शेयर करें। लेकिन अगर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स को किसी की भी वीडियो में कमेंट कर चुके हैं और अगर कहीं से आपको कोई कॉल या मैसेज करके ये बोले कि वो आपके कॉमन सिक्कों को लाखों रुपए में खरीद लेगा, बस आपको अपना एटीएम कार्ड या बैंक से जुड़ी हुई कोई पर्सनल जानकारी मांगे, जैसे कि आपके मोबाइल में आने वाली ओटीपी या फिर आपके एटीएम कार्ड का किसी भी तरह का कोई नंबर, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला है। तो ऐसे लोगों से आप लोग हमेशा ही सावधान रहें और कभी भी ऐसे फ्रॉड लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना फंसें। और रही बात आपके सिक्के और नोटों को बेचने की, तो बिकने के लिए आपके सिक्के या नोट होने चाहिए कीमती और रेयर। लेकिन रेयर और कीमती होने के बावजूद भी वो सिक्के और नोट उतने में ही बिकेंगे जितनी उनकी मार्केट वैल्यू चल रही है। यानी कि अगर इस तरह के 1 रुपए के 1970 के सिक्के की कीमत है लगभग 4,000 से 7,000 रुपए के बीच, तो उसकी कीमत आपको लाखों में नहीं मिल सकती। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई कॉमन सिक्का है, जैसे कि इस तरह के 5 रुपए और 10 रुपए के माता वैष्णो देवी के सिक्के, तो इन सिक्कों के बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए से 15 रुपए ही मिल सकते हैं। तो किसी के भी बहकावे में आकर इनकी कीमतें लाखों और करोड़ों में समझने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी इंसान फ्रॉड्स का शिकार बना सकता है। तो अगला सवाल जो यहाँ पर हमारे पास आया है वो हमसे पूछा है मनप्रीत जॉली जी ने। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। सर आई हैव 1 रुपी जवाहरलाल नेहरू क्वाइन ऑफ नोएडा मिंट एंड द कंडीशन ऑफ द क्वाइन इज वेरी फाइन, प्लीज टेल मी द प्राइस। तो यहाँ पर मनप्रीत जी जानना चाहते हैं 1 रुपए के इस तरह के जवाहरलाल नेहरू वाले नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत। तो 1989 में जारी किए गए इस तरह के जो 1 रुपए के कमेमोरेटिव क्वाइन थे, इनको जारी किया गया था जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती के अवसर पर। ये सिक्के भारत की चारों मिंटों से जारी किए गए थे, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। इनमें से जो नोएडा मिंट का सिक्का था उसकी मिंटें सबसे ज्यादा कम थी, तो इसी वजह से नोएडा मिंट का ये सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में। इस एक सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 1200 रुपए से 1500 रुपए के बीच में। लेकिन अगर आपके सिक्के की कंडीशन फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन है तो उसकी कीमत तकरीबन 300 रुपए से 800 रुपए के बीच में चल रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखकर आपके मन में चल रहे काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, और अगर नहीं भी मिले हैं तो आप लोग हमारी पिछली 27 Q&A वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इनके अलावा भी हमने इस चैनल पर लगभग 300 से भी ज्यादा ऐसी ही वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इन सभी वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब इनमें से ही ढूंढ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके पास भी भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो आप अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर #masterji लगाकर हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को मिल सकता है हमारी आने वाली किसी अगली Q&A वीडियो में। तो आगे
आने वाली उन सारी ही वीडियोस को सबसे पहले ही देख पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही दबा दीजिएगा उस घंटी के बटन को ऑल पे। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।